जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल अज तुहाडे नाल एक होर छोटी जी गल और ये सांझ बनस्पति दी ते मनुखां दे घरां दी घर कित्थों तक जाणगे ते किन्नू किन्नू वसाणगे ते किहदा किहदा उजाड़ा पाणगे ये अज एक बड़ा वड्डा सवाल है। इन्हां घरां दी वजह करके जिन्हों प्रॉपर्टी कहा जांदा इस दी वजह करके कई रिश्ते खराब हो जांदे हैं ते उस नवी व्याही धी नूं जिहड़ी नूंह बन के आउंदी है उहदियां सदरां ते अरमानां दे उत्ते किदां पानी फिरदा और किवें ते किस हिसाब नाल जिहड़ी है ये गल है। ये असीं सीरीज चला रहे हाँ डॉटर्स डे जिहड़े लंघे ने मदर्स डे लंघे ने उहनूं मुख रख के चला रहे हाँ और इस सीरीज दे विच अगे प्रकरण नूं जोड़दे होए असीं गल करदे हाँ धीआं दी अपने सहुरे घर दे विच होंद और इस फोन के उत्ते गल करन लई आए ने साडे नाल भैन जी। भैन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अज आपां गल करांगे कि जदों धी व्याह के सहुरे घर जांदी हैगी है ते जे ते ओह पैसे वाले घर चो गई है मतलब जे ओहदे घरदिआं ने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दित्ते ने अमीर हैगे ने सहुरिआं नूं चंगा पूजन कीता हैगा उहनां ने फिर ते उस कुड़ी दी घर च बहुत सोहणी कदर हुंदी। पर जे कुड़ी मान लो गरीब घर चो गई है किसी भी वजह करके लड़के वाले ने उन्हें जड़ा है मंजूर किया अपनी जिंदगी दे विच लव मैरिज कह लो या सोहनी ज़्यादा सीगी ता करके उन्होंने रिश्ता ले लिया पर वो चीज़ देखन जाती हैगी है कि सहुरे घर दे विच जा के उस बच्ची की वो कदर नहीं रहती वो पुछ नहीं होंगी क्योंकि वह गरीब घर दे विचों आई होंगी। इतों तक देखने दे विच आया हैगा कि जे कोई दो हैगियां ने मान लो दराणी जठानी हैगियां ने तो जिहड़ी अमीर वाली नूँह है जे वड्डी नूँह अमीर है या छोटी नूँह अमीर है तो एक गरीब हैगी है तो सस ने दोनों वास्ते मान लो कपड़े खरीदने ने तो उहदी सोच ये होंदी है कि गरीब नूँ तो चलो 500 वाला सूट भी चल जाएगा पर मेरी अमीर नूँह ने इस सूट नूँ नहीं पाना उहदे कोल तो पहले ही 2-3 हज़ार के सूट ने तो जे मैं उन्हें कोई सूट देना तो घट्टो घट 4-5 हज़ार का चाहिए। सो मावा कह लो या ससा कह लो इत्थे फर्क कर जांदियां ने एक अमीर नूह दे विच ते एक गरीब नूह दे विच ये फर्क कल्ला ससा नहीं करदियां ये फर्क जे देखा जाए तो माँ बाप भी कर जांदे जे अमीर जवाई घर दे विच आंदा है तो उन्होंने होंदे कि अज असी ड्राई फ्रूट भी लिया के रखना है चाहे वह अफोर्ड करते चाहे नहीं करते उहदे लई खाना वधिया आना चाहिए वन सवन्ने पकवान पकने चाहिए है तो जे गरीब कुड़ी जिहड़ी हैगी है वह आ जाए घर च गरीब घर च व्याही होई वो कुड़ी जी अपने घर आ जाती है और ठीक है एक पनीर की सब्जी बना दो एक दाल धर दो इनका की है इन्हें तो इदा ही खुश हो जाना देन लैन लगे माँ प्यो की भी यह सोच हुंदी है कि गरीब लई तो इन्ना ही काफ़ी है तो अमीर का तो इन्ने नाल कुछ बनना नहीं उन्होंने तो फिर होर वधिया करके देना मतलब दोनों बच्चों अमीर तो गरीब नूं बराबर नहीं किया जाता ये सोच कली माँ प्यो सस सहुरे तक सीमित नहीं हैगी ये सोच साडे समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। और किस तरह कि मान लो असी मार्केट दे विच सब्जी खरीदन जाने हैं एक रेहड़ी वाले कोलो असी भिंडी का भाव भी पुछदे हाँ तो वह कह दिंदा ना 50 रुपए किलो तो असी कहने नहीं भरावा 2 किलो ले लेंगे बोल किन्ने दी देगा 50 रुपए बहुत ज़्यादा ने 40 दी देनी 35 दी देनी 40 दी देनी 45 दी देनी चल 45 दी दे दे नाल धनिया भी पा दी तो मिर्चा भी पा दी ये साड़ी एक आम मैंटैलिटी है यही जदों असी किसी मॉल दे विच जाने हाँ तो उत्थे असी भिंडी का भाव ही नहीं देखते दे। उत्थे चाहे 100 रुपए किलो होवे तो धनिया मिर्चा मंगनियाँ तो भुल ही जाओ और सीधा असी जिप लॉक जहाँ चकते हैं अपने ट्रॉली दे विच रखते हैं तो बिल करवा के आ जाने हैं असी इस चीज़ नूं सोचते भी नहीं या असी इस चीज़ वाले पासे ध्यान ही नहीं देंदे कि भिंडी 50 रुपए वाली कितने 100 रुपए नूं ते नहीं लगी हुई बस असी उत्थे देखदे हां कि असी एसी मॉल दे विच गए हाँ उत्थे जिस रेट नूं भी चाहे वह 4 दिन पुरानी क्यों ना होवे बंद जिप लॉक दे विच बंद सब्जी असी चकदे हां चक के असी अपनी ट्रॉली दे विच रखदे हां असी एक वारी ध्यान भी नहीं देंदे। इस तरह ही जे कोई गरीब रिश्तेदार हैगा किसी का माँ प्यो नूं उदां छड्ड दित्ता जावे सस सहुरे नूं तो जे गरीब रिश्तेदारी का बंदा हैगा
ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਠਿਆਈ ਬਿਸਕਿਟ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨੱਕਚੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਕਚੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੱਕਚੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਟਾਖ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਖੇੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਿਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 99% ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ
लिव इन रिलेशनशिप वास्ते। बिल्कुल, क्योंकि रिश्तों की तो कदर ही खत्म होगी, पैसा ही मुख रखता। जे कोई रिश्ता टुटता भी है तो उहदे विच उहनू प्यार नाल खत्म नहीं किया जाता। मान लो कोई भी रिश्ता है, कि माँ पुत का रिश्ता है या भरा भरा का रिश्ता हैगा, तो खत्म करन लगे कितने भी, या मियाँ बीबी का ही रिश्ता है तो खत्म करन लगे, कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता कि कल नूं जे असीं कितने मत्थे लग जाइए एक दूजे दे, तो असीं एक दूजे नूं प्यार नाल सति श्री अकाल ते बुला सकीए, हाल चाल ते पुछ सकीए, खिड़े मत्थे मिलते सकीए। जे कोई भी रिश्ता खत्म भी करना है तो उन्हें इन्ने प्यार वाले ढंग नाल खत्म करना चाहिए कि मुड़ मिलन की आस रवे। पर हुंदा की पिया, असी पैसे नूं देखदे पए आ, किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह गई हैगी, समाज दे विच सिर्फ पैसा प्रधान होया होया। एक गल होर छोटी जी, छोटे बच्चे नूं 1.5 साल का हुंदा या 2 साल का हुंदा स्कूलां विच भेज दिता जांदा, अगे 5 साल के बच्चे नूं भेजा जांदा सी, दादी जिहड़ी सीगी उह उसनूं साखियां सुणाउंदी सीगी, धार्मिक कथावां सुणाउंदी सीगी, ते उहदा एक करैक्टर सिरजना करन वास्ते दादी दा योगदान हुंदा सीगा। अज ओह योगदान जिहड़ा नूं सस दे अखाड़े विच जिहड़ा जंग दा अखाड़ा बन गया उहदे विच रुल के रह गया, ते साडा समाज किधर नूं जा रिहा, इहदे बारे की कहोगे, इह सच है या झूठ है? देखो इत्थे भी मेन पैसा, स्कूलां वालियां नूं पैसा चाहीदा। 2.5 साल दा बच्चा, यानी 2 साल पहले जे बच्चा साडे कोल स्कूल दे विच आ गया ते 2 साल दी कमाई आ गई बच्चे दी, ठीक है। माँ प्यो पैसा कमाण जांदे ने, बच्चा घर आया दे कोल संभालना हैगा क्योंकि जॉइंट फैमिलीज नहीं हैगियां, आया दा खर्चा बचाना, आया नूं खर्चा देने नालों बैटर है स्कूल च जाके पढ़ाई करे। कोई ये नहीं सोचता भी उस 2.5 साल दे बच्चे दे उत्ते तुसी पढ़ाई दा किन्ना बर्डन पा रहे हो। जिहड़ी उम्र उहदी खेडण खाण दी है, जिहड़ी उम्र उहदी साखियां सुनन दी हैगी है, जिहड़ी उम्र उहदे जिहनूं कह लो ज़्यादा उहनूं प्यार मुहब्बत मिलन दी हैगी है, उहदे विच असीं उहनूं की करदे हां, स्कूलां दा डिसिपलिन सिखा रहे हैगे, असी उन्हों पढ़ाई वल धक्के लगा रहे हैं, असी प्यार मुहब्बत किते उहदे लई है ही नहीं, साढ़े कोल टाइम ही नहीं, क्योंकि बच्चा स्कूल तो आंदा है, आके जी चेंज वगैरह करो, खाना खाओ, फिर बच्चा सौंदा है क्योंकि सवेरे जल्दी उठा होंदा, फिर उस तो बाद शाम नूं जिहड़ा हैगा जे माँ ने अपना डिनर तैयार करना हैगा तो बच्चों लई टीवी हैगा, तो टीवी देखने तो बाद असी कहने खाना खुना खाओ बेटा तो सो जाओ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਕੇ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਚ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਚ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਤਵੱਜੋ, ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ, जो टाइम असी अपने बच्चों नूं दे सकते हाँ, कि तुसी सोच सकते हैगे हो कि एक बंदी अगर 5 बच्चे क्रैच दे विच या 10 बच्चे क्रैच दे विच संभाली बैठी है, वह हर बच्चे नूं माँ का प्यार दे सकेगी? नहीं, उन्हें भी आया रखी हुई है, बच्चों नूं खिला पिला दिंदे ने, तो कई बार वह भी नहीं, जो बच्चे आपस च लड़ते भी पे आ या कुछ भी करते पे आ तो उन्होंने उस चीज़ नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वह भी टीवी चला दिंदे आ, तो बच्चे वह टीवी देखते रहेंदे आ, अपना नचते गाते रहेंदे आ, तो जो माँ आती है तो वह माँ उन्होंने लैके चली जाती, मेन पैसा ही सब कुछ आ जाता है। कई क्रैचा वाले मैं देखे संपर्क भी, और कई बच्चे क्रैचा के जोड़े प्रोडक्ट से उन्होंने गलबात हुई, तो उन्होंने एक गल दसी, साढ़े माँ प्यो ने जन्म तो दिता है, सुट दिता सानू क्रैच में, साड़ी क्रैच वाली आंटी ने या अंकल ने सानू हैप्पी बर्थडे कह दिता है, तो माँ प्यो नू वेल ही नहीं सी अज हैप्पी बर्थडे कहन दी, इहदे बारे की कहोगे? बिल्कुल, पैसे की दौड़ दे विच असी अपने आप नू प्रूव करन दे चक्करां दे विच सिर्फ पैसा ही जिंदगी दा मकसद बना लिया होया, जिहदे विच असी अपने माँ बाप नू भुल गए, असी अपने भैन भरावां नू भुल गए, ते सब तो वड्डी गल असी अपने बच्चियां नू भी भुल गए। सिर्फ स्टेटस मैटर करदा है, पैसा मैटर करदा हैगा, टाइम, प्यार, मुहब्बत, तवज्जो, खानदान, रिश्ते, किसी चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं रह गई हैगी। एक बच्चे की गल याद है, वह उस दिन बड़ा रो रहा सी, और काफ़ी वड्डा अर्निंग हैंड है, और वो ये कह रहा सी, मेरी माँ ते प्यो नूं मेरा जन्मदिन भी याद नहीं, अज मेरा बर्थडे है अंकल, ते उन्होंने मैनू हैप्पी बर्थडे तक नहीं किया, ते मेरी क्रैच वाली आंटी का सवेरे 5 बजे
व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया सी ते फोन भी आ गया इहदे बारे। देखो की हुंदा कि कई मैं नहीं कहिंदी सारे क्रैच वाले बुरे हुंदे ने, कई बड़े अच्छे भी हुंदे ने जिहड़े बच्चियां नूं बड़ा प्यार दिंदे हैगे ने। ते वैसे भी कोई कोई बच्चा जिदा कह लो किस्मत वालों अपने लिए प्यार लै जांदा है। माँ प्यो तो पैसे कमाण दे विच लगे हुए आ, उन्हां कोल टाइम ही नहीं हैगा। बच्चियां नूं जन्म जरूर दे दिता हैगा पर पालन पोलसन का उन्हां कोल टाइम नहीं। मैं तो इत्थों तक सुनिया हैगा, असी रीसेंटली एक केस देखा सीगा जिदे विच अपने बच्चे नूं प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि तू साडी पसंद का बच्चा नहीं है। यह मैं पहली बारी लॉजिक सुनिया सीगा कि जी तू साडी पसंद का बच्चा नहीं, इस करके असी तुहानूं प्रॉपर्टी चो हिस्सा नहीं देना। यह वड्डा बच्चा साडी पसंद का हैगा तो इहनूं असी सारे हिस्से देने हैगे ने, तैनूं इस करके नहीं देना तू साडी पसंद का नहीं, तैनूं तेरे सहुरे दे देन या तू अपने आप जिदा मर्जी कमा ते खा। सो पैसा सब कुछ हो गया, वड्डे भरा ने विवंतबंदी की जिदा कह लो जो भी किया, पर उहदा नतीजा की होया हैगा कि माँ बाप भी पहली बार मैं जिंदगी देखा सीगा कहिंदे हुंदे सी पुत्त कपुत्त हो जांदे आ मापे कुमापे नहीं हुंदे, पर अज दी डेट च मापे तो सब तो पहले कुमापे होए बैठे ने जी। एक गल होर इत्थों निकल के सामने आउंदी है कि जदों बच्चे नाल इस तरह की गल की जाती है तो बच्चा अपने कर्मों नूं दोष देवे या अपने जन्म वाले माँ प्यो नूं दोष देवे या किस्मत नूं देवे, इहदे बारे की कहोगे? देखो किस्मत तो है ही है वै, जिस बच्चे दे माँ प्यो नूं नहीं पुछ रहे उहदी किस्मत तो जिदा कह लो खराब है ही है कि उहनूं प्यार तवज्जो कुछ नहीं मिलिया हैगा। मैनूं इह नहीं समझ आउंदी जे तुसीं बच्चियां नूं टाइम नहीं दे सकते, जे तुसीं बच्चियां दी परवरिश अच्छी तरीके नहीं कर सकते हैगे तो सिर्फ अपने ऐश आराम लई तुसीं बच्चे पैदा करके उहनां नूं क्रचां दे विच सुट दित्ता, फिर उहनां नूं स्कूलां दे विच ते फिर उहनां नूं नौकरियां दे उत्ते लगा दित्ता। उस तो बाद तुसीं सोचदे हो कि साडी इहनां लई सारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती हैगी है, मेरा इहदे नाल कोई मतलब नहीं, मैनू तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी चाहिए है, मैनू अपना पैसा चाहिए, मैनू अपना स्टेटस चाहिए। यह सब तो वड्डी गलत गल है। जदों दो बच्चों का शादी का मिलन मंगनी तो शुरू हुंदा है या रोके तो शुरू हुंदा है या किस तरह शुरू हुंदा है, उन्हां दे की अरमान हुंदे ने, इन्हां उत्ते अरमानां दे उत्ते कौन हल चलांदा है या हल ही चलांदे है या बुलडोजर फेलदे हैं, इन्हां बारे की कहोगे? देखो असी अपने कल दे वीडियो च भी यह चीज़ दसी सीगी कि जदों रिश्ते की शुरुआत हुंदी है ना दोनों बच्चों नूं जिंदगी दे विच जिंदगी नूं इकट्ठे शुरू करन दा एक बड़ा शौक हुंदा है, चाह हुंदा है, पर माँ बाप दीआं इहो जिहीआं गल्लां पिछे कि जी ए तेरे सहुरिआं ने घट दिता या साडा इत्थे इज्जत मान नहीं होया या उन्हां नूं मुंदरियां पाणियां चाहीदियां सी ते उन्हां ने नहीं पाईआं, ये सारिया चीज़ां कितें ना कितें एक दिलां दे विच दरार लिया दिंदियां ने। वह जिहड़ी दरार हुंदी है वह बच्चों के आपसी जीवन के उत्ते भी इफेक्ट करती हैगी। तो जिहड़े माँ प्यो ये भी कह दिंदे हैगे ने कि जी असी तो तैनूं कुछ नहीं देना, तो उहदी वाइफ पहली बार पुछदी हुंदी की गल जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੱਜਣ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।